हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटप्रो में टाइप्स ऑफ कर्सर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टैटप्रो में टाइप्स ऑफ कर्सर कौन कौन से होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कर्सर ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि यहाँ पे जिस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होता है, आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन स्पेस मीटर किलो न्यूटन एंड यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना होता है, लोकेशन सेव करना होता है। नेक्स्ट, यस, एड बीम, क्योंकि हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं ट्राई करने के लिए। अब हमको कुछ बनाना है तो उसके लिए हम लोग हर टाइप के कर्सर को यूज करना जरूरी है। मींस हर टाइप का अगर एलिमेंट बना लेंगे तो हर टाइप का कर्सर भी यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ज्योमेट्री पे गए, मान लो रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे गए और एक हमने स्ट्रक्चर का सैंपल ले लिया। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर लिया और इसका हमने लेंथ ले लिया 9 3, लो 9 इसको भी ले लिया, 3 9 3, एक सैंपल ले लिया इस तरीके से और इसको हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यस कर दिया और ओके कर दिया और फिर हमने ग्रिड को बंद कर दिया। जनरल पे गए, डिफाइन, और हमने सबको एक मटेरियल दे दिया। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ से ले लिया 0.30 × 0.30 एड पिक्स और सबको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके असाइन कर दिया हमने। अब हमें प्लेट लगाना है, तो प्लेट लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक होता है, देखिए ये क्या है, एड नोट प्लेट्स। तो हमने नोट प्लेट मान लीजिए लिया यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा हमने लगा दिया और उसके बाद हमने इसके आगे एक कर्सर है, कौन सा, एड कर्सर, ठीक है, बोला एड सरफेस, जो हम लोग सीर वॉल के यूज करते हैं, ये लिया हमने, ये लिया और ये लिया, हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। उसके लिए हम लोग यहाँ पे थिकनेस पे गए, प्लेट के लिए हमने ले लिया स्लैब माना इसको, तो हमने ले लिया 0.15 एड, और सरफेस के लिए ले लिया हमने 0.20, मतलब 200 mm एसी रोल का डिजाइन ले लिया। अब सरफेस के लिए, अब देखिए करना क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे प्लेट लगाना है तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्लेट कर्सर। ये देखिए प्लेट कर्सर है, प्लेट कर्सर लेंगे तो ये तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए हो गया सेलेक्ट, और असाइन कर देंगे और ये लग जाएगा। और इसके बाद होता है सरफेस कर्सर, तो सरफेस कर्सर कौन सा है, ये होता है सरफेस कर्सर, इसको लीजिए और इसको लेके जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका ये सरफेस सिलेक्ट हो जाएगा और यह वैसा है और यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा सरफेस कर्सर ये है और ये प्लेट कर्सर है। फिर ये क्या है, ये बीम कर्सर है। बीम कर्सर मीन्स कोई एक बीम को डायरेक्ट आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बीम कर्सर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बीम कर्सर ये होता है, इससे बीम सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद होता है नोड कर्सर, ये क्या होता है, सारे कॉर्नर, जैसे कि ये क्या है, नोड कर्सर है, ये क्या है, नोड है, इसका इस जगह का लोकेशन जानना है कि एक्स में कितना दूर है, वाई में से कितना दूर है, बस आप देख सकते हैं। नोड का काम कहाँ पे लगता है, एक तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस, दूसरा अगर आपको सपोर्ट तैयार करना है, मीन्स यहाँ पे सपोर्ट लगाना है नीचे, तो हम लोग आप लोगों ने सीखा भी होगा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सारे नोड सेलेक्ट हो जाते हैं और इसलिए हम लोग सपोर्ट लगाना होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आके सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, राइट। चलिए लगाई देते हैं एक सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट ऐड, और हमने सपोर्ट को लिया और यहाँ पे गए इस तरीके से, हमने इसका सपोर्ट लगा दिया ऐसे, ये सभी जगहों पर हमने फिक्स सपोर्ट लगा दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से सपोर्ट लगाते हैं और यहाँ पे आपने देखा कि प्लेट कर्सर होता है और ये क्या होता है, सरफेस कर्सर होता है। ये देखिए ये क्या होता है, सॉलिड कर्सर। सॉलिड कर्सर में आपके पास अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लाइक सॉलिड बॉक्स है, अभी मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड कर्सर लेते हैं और उसे पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक सबसे बेहतरीन होता है ज्योमेट्री कर्सर। इसका बड़ा फायदा है, क्या फायदा है, अगर आपको सबको सेलेक्ट करना है तो ऐसे ज्योमेट्री करो, इसमें प्लेट भी सिलेक्ट होगी, सरफेस भी सिलेक्ट होगा और बीम कॉलम नोट सब कुछ सिलेक्ट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्योमेट्री सर्किल, ठीक है, ज्योमेट्री कर्सर, सॉरी ज्योमेट्री कर्सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेक्ट सबको करना है तो ज्योमेट्री कर्सर ले लीजिए और इजिली आप सबको सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद एक होता है यहाँ पे सेलेक्ट टेस्ट,
ये जो हाइड रहता है, तो काफी लोगों को नहीं पता होता है कैसे इसको यूज करेंगे। तो आप देखिए, देखिए कर्सर के अलग अलग टाइप्स हैं, आपने केवल शायद ये पढ़ा होगा, ये बहुत पढ़ा होगा तो एक दो इसमें से पढ़ा होगा। और यहाँ पे आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ज्योमेट्रिक कर्सर क्या होता है, या पूछ लेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट टूल्स को कैसे यूज करते हैं, ये तो हाइड रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ देखिए क्या होता है, इंसर्ट टेक्स्ट पहले कुछ लिखना पड़ेगा ना, और मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिखना है, और यहाँ पे हमने लिख दिया बीम, जो भी आपको एक्स वाई जेड कुछ भी लिखना है, ये देखिए बीम लिख के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस बीम में कोई एडिटिंग करनी है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपका बीम सेलेक्ट हो जाएगा। बीम की जगह पे हमने कहा नहीं, हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे, लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, क्लियर। तो इसके लिए क्या यूज होता है, टेक्स्ट कर्सर, बहुत कम लोगों को मुझे लगता है पता रहा होगा ये टूल्स। इसके बाद होता है लोड एडिट कर्सर, लोड एडिट कर्सर इसका इतना अच्छा यूज है, बट कभी लोगों को पता ही नहीं रहता तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको यूज करने के लिए मुझे थोड़ा सा लोड लगाना पड़ेगा पहले। तो लोड कैसे लगाते हैं, आप सबको पता है, लोड एंड डिफिनेशन, लोड कैसे डिटेल ऐड, और यहाँ पे गए हम लोग डेड लोड पे, डी एल ऐड। इसके बाद चलिए एक ही डेड लोड ही लगाया, सिर्फ मैं आपको कर्सर का यूज बता रहा हूँ, सो मैं लाइव लोड अभी नहीं लगाने जा रहा। यहाँ पे हमने सेल वेट ले लिया इसका -1.5, और उसके बाद मेंबर वेट ले लिया हमने 12.1, ब्रिक का लोड है ये, 9 इंच वॉल है, तो उसका अगर वो ब्रिक की जो डेंसिटी है वो 19.1 है, तो 12.1 उसका किलोमीटर पर मीटर उसका वेट आता है। फिर फ्लोर लिया हमने 4.75, 3 2 9 इसकी हाइट है, तो हमने ऐड कर लिया। अब लगा देते हैं सबको, सेल वेट लिया और असाइन टू व्यू, ये लिया, और इसको लेने के बाद यहाँ पे भी मान लो हमने लगा दिया सेम, सेम लोड लगा के हमने किया यूज किया। क्या होता है कभी कभी, जैसे हमने लोड कैलकुलेट किया, अब आउटर वॉल तो 9 इंचेस है, इनर वॉल कम है, या हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार ये लोड में चेंज करना चाहता हूँ, ये गलत मैंने कैलकुलेट कर दिया है, 12.1 नहीं 5.9 आएगा। उस केस में आपको यहाँ जाना चाहिए लोड के, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा लोड एडिट कर्सर, और उसके बाद आप लोड पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लोड पे कोई भी लोड है, ऐसा कुछ नहीं वही लोड, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स पे क्लिक कर दिया। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, लोड भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए आप, अगर आपको ये कर्सर नहीं पता था, आप क्या करोगे, यहाँ आओगे फिर यहाँ क्लिक करोगे फिर एडिट पे जाओगे, बट अगर आपको ये कर्सर पता है और बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना आराम होगा आपको अगर ये कर्सर आप जानते हैं, लोड केस एडिट, और ये करके जस्ट डबल क्लिक करो और ये आपका बन जाएगा। तो ये जो कर्सर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, एडिट सपोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एडिट सपोर्ट कर्सर मीन्स क्या होता है, ये जैसे आप सपोर्ट पे हो, ठीक है, आपने कहा मुझे ना यहाँ पे सपोर्ट चेंज करना है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट चेंज करना है, यहाँ क्या रखना है, पिन सपोर्ट मान लो रखना है, ऐसा स्ट्रक्चर में हो सकता है कभी कभी, बिल्डिंग में नहीं और दूसरे स्ट्रक्चर में, तो उस केस में आप क्या करो, एडिट कर्सर सपोर्ट, और इसको क्लिक करके जस्ट यहाँ पे जैसे तुम डबल क्लिक करोगे, और उसके बाद 1 मिनट, सपोर्ट एडिट कर्सर, और उसके बाद आ गया यहाँ पे, वो डबल क्लिक वहां पे नहीं हो रहा था, इसके वजह से मैंने उसको बहुत ध्यान से उस पर डबल क्लिक किया तो हुआ। 1 मिनट देखिए, फिर से करते हैं, एडिट सपोर्ट कर्सर, और इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना। जैसे डबल क्लिक करोगे पूछ रहा है कौन सा सपोर्ट इसके लिए देना चाहते हो, मैंने कहा पिन चेंज ऐड। इसमें अच्छा ये रहता है, सिर्फ इसका पिन होगा बाकी सबका वही रहेगा जो तुम्हें चाहिए। अभी मान लो मुझे इसका चाहिए पिन चेंज ऐड, ये देखिए अभी मुझे इसका चाहिए, इसका क्यों नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूं पता नहीं सर उसको पॉइंट को रीड नहीं कर पा रहा। हाँ क्या हो रहा था, मैंने जूम नहीं किया था उसकी वजह से उसका पॉइंट रीड नहीं कर पा रहा था, तो वो सपोर्ट नहीं लगा रहा था। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर का सपोर्ट चेंज करना है तो आपको पूरा फंक्शन नहीं डिफाइन करना है, क्रिएट नहीं करना है, असाइन नहीं करना, बस उस पर डबल क्लिक करिए और उसको चेंज कर दीजिए, सिर्फ किसके हेल्प से, एडिट सपोर्ट कर्सर के हेल्प से। इसके बाद क्या है, ये मेंबर रिलीज एडिट कर्सर, ये क्या होता है, मेंबर रिलीज एडिट कर्सर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे रिलीज लगाना पड़ेगा,
मान लीजिए ये बीम है, मुझे इस पे रिलीज लगाना है, पता है ना लोड रिलीज करते हैं मोमेंट को, तो उसके लिए बीम कर्सर लीजिए और उसके लिए प्रॉपर्टी पे आइए और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बीम है, बीम को रिलीज कर दिया हमने स्टार्ट पे, तो उसके लिए MX और MZ को हम लोग ऑन कर देते हैं एड, और उसके बाद इसको मान लीजिए साइन कर दिया, राइट। अब मुझे इसमें कोई एडिटिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंबर रिलीज एडिट कर्सर यूज कर सकते हो, इसको लेना है और इसको लेकर सिर्फ यहाँ पे करिए। अब मान लीजिए मुझे इसमें कोई चेंजिंग करना है, मुझे MZ के लिए नहीं चाहिए रिलीजिंग, चेंज कर दो। ये जो होता है कितना मजेदार है, देखो कुछ नहीं करना है, मेंबर रिलीज एड कर्सर लेना है, जहां पे रिलीजिंग करना है वहां पे ऑन करो। अब मुझे ऑन करना है इसको, चेंज किया, लग गया। तो ये कर्सर आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों होता है फिल्टर्ड सिलेक्शन। फिल्टर्ड सिलेक्शन मींस आपको केवल बीम सिलेक्ट करना है, आपको केवल कॉलम सिलेक्ट करना है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक ही बीम कॉलम दे रखा है, अगर ये कॉलम और बीम अलग अलग होते, चलिए मान लीजिए मैंने डिफाइन कर दिया एक मिनट के लिए, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। प्रॉपर्टी पे आना है और यहाँ पे आपको यहाँ जाना है आपको डिफाइन पे, और डिफाइन पे जाके हमने कॉलम का साइज चेंज करके रख दिया 0.45 और 0.45, और इसको हमने क्या कर दिया, एडिट कर दिया। अब मुझे इसको कॉलम को लगाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट बीम्स पैलेट टू वाई, और इसको मैंने साइज कर दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है, या मुझे हो सकता है सिर्फ बीम सेलेक्ट करना है। इस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे होता है कॉन्फ़िगर सिलेक्शन फिल्टर, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करके आप बताइए कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आप सबको सेलेक्ट करना चाहते होंगे, मे बी आप सिर्फ बीम्स को सेलेक्ट करना चाहते होंगे, या आप सिर्फ कॉलम को सेलेक्ट करना चाह रहे हो। मान लीजिए सिर्फ कॉलम, ये मेंबर है, प्लेट को भी ऐसे ही कर सकते हैं, सरफेस को भी कर सकते हैं, सॉलिड को भी और नोट को भी, ठीक है। तो एक ही मेथड सबके लिए है। हमने मेंबर पे गए और यहाँ पे हमने ले लिया 0.45 और ओके कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे फिल्टर्ड सिलेक्शन पे और ऐसे सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। इसमें फायदा तब होता है जब बड़ा स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग कॉलम के साइजेस हैं। तो मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ 0.30 वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसको वहां पर जाइए, कहाँ पे, सेलेक्ट पे जाइए और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्शन फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए और वहां पे वो कॉलम लेके ओके कर दीजिए, तो सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्सर के टाइप्स। अगर आपको समझ में आया है तो इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक यार शेयर करना, और मैं अभी लीव पे था तो काफी दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे चैनल पे, आपको भी पता है, लेकिन अभी मैं घर से आ गया हूँ तो अभी आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे, और जैसे पीछे भी सपोर्ट करते आए हो वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहना, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा डेली आपसे डिस्कस कर सके, कुछ नया डेली हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में सीख सके। इस चैनल से अगर आप बनते हैं, एक साथ लगे रहेंगे, तो कुछ न कुछ डेली आपके दिमाग में ऐड होता रहेगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो भी यूनिक चीजें, कॉमन चीजें नहीं, तो कॉमन चीजें तो आप हर जगह सीख लेते हो, बट यूनिक चीजें यहाँ पे। दोस्तों दूसरी बात ये कि मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप सब मेरे डेली व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरे राइट स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, उसको मुझे जल्दी से ग्रो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसकी भी जरूरत पड़ती है फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर वो भी चैनल ग्रो हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा दिन तक वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एडिटर को भी देना पड़ता है, सब बहुत सी चीजें रहती है यार। तो उसको ज्यादा लोग कर लो और अपने फैमिली में भी शेयर कर दो कि ये मेरे सर का चैनल है, तो आप लोग को जब भी कभी न्यूज वगैरह देखना हो तो यहाँ राइट स्टेशन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।